मीन गर्ल्स का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इस मूवी को समझने के लिए पहले वो वीडियो देखें। इस पार्ट में भी नॉर्थ शोर हाई स्कूल और उसमें प्लास्टिक्स की एक न्यू स्टोरी दिखाई गई है। मूवी की शुरुआत एक लड़की जो के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां वो मिस्टर सिडनी के ऑफिस में खड़ी एक बहुत मुश्किल फैसला करना चाहती है और एक कहानी स्टार्ट होती है। वो अपने फादर के साथ रहती है जो एक रेस कार कंपनी NASCAR के लिए इंजन बनाने का काम करते हैं और इसी वजह से जो के शौक भी बिल्कुल लड़कों जैसे हैं। वो एक टॉम बॉय है। अपने फादर की बार बार ट्रांसफर्स की वजह से उसने आज तक बहुत से स्कूल्स बदले हैं और आज उसका नॉर्थ शोर हाई स्कूल में फर्स्ट डे है। उसे किसी भी हाई स्कूल ड्रामा में इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही किसी से दोस्ती करने का शौक है। इस मूवी में भी लास्ट पार्ट की तरह 3 गर्ल्स प्लास्टिक्स के नाम से पूरे स्कूल में फेमस है। प्लास्टिक्स में एक लड़की चेस टिटी जो किसी भी लड़के से रिलेशनशिप रख लेती है, होप जिसे मैंडी की बेस्ट फ्रेंड बनने का बहुत शौक है और उसे लगता है कि हर चीज पे जर्म्स हैं और वो कभी भी बीमार नहीं होना चाहती, इन सब की लीडर मैंडी जो बहुत अमीर है और जो के घर के पास रहती है। जो स्कूल में एंटर होती है वो एबी की आर्ट बुक खराब होते हुए देखती है और फिर एक लड़का गलती से शेक एबी के ऊपर गिरा देता है, जिसपे वो बहुत अपसेट हो जाती है। जो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, उसे किसी मदद की जरूरत है। एबी प्लास्टिक से छुप जाती है और उनके जाने के बाद जो से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन जो फ्रेंडशिप्स में इंटरेस्टेड नहीं होती। प्रिंसिपल ड्यूवल उसका स्कूल में वेलकम करते हैं। नेक्स्ट सीन में जो ड्राफ्टिंग क्लास में जाती है, जहाँ वो अकेले फीमेल स्टूडेंट है। टीचर उसे टायलर का पार्टनर बनाते हैं, जो उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। रिसेस टाइम में सब कैफेटेरिया में जाते हैं। मैंडी बाकी प्लास्टिक्स को बताती है कि उसने निक से रिलेशनशिप सिर्फ LA जाने के लिए रखा है, क्योंकि वहाँ एक मॉडलिंग शूट है जहाँ वो जाना चाहती है। एक लड़का कैफेटेरिया में जो को तंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक लेती है। मैंडी का डॉग एबी के पास जाता है और एबी उसे प्यार से कुछ खिला देती है, जिससे उसका पेट खराब हो जाता है और मैंडी का बैग खराब हो जाता है। इस बात पे वो एबी की बहुत इंसल्ट करती है और अपना बैग भी डंप कर देती है। जो भी ये सब देख रही है, स्कूल के फर्स्ट डे से वापसी पे जो के फादर उसे बताते हैं कि उनकी एक रेसिंग कार के इंजन बनाने के लिए उन्हें कुछ पैसे चाहिए थे और उन्हें जो के यूनिवर्सिटी के ट्यूशन फीस यूज करनी पड़ी। वो जो से माफी भी मांगते हैं, लेकिन जो के लिए हाई स्कूल के बाद कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसकी मॉम वहाँ से पढ़ी हुई थी और वो भी वहीं से ग्रेजुएट होना चाहती थी। जब जो 1 साल की थी तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और बचपन से इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी। मैंडी और एबी नेबर्स हैं। एक्चुअली मैंडी बचपन से ही एबी से नफरत करती है, क्योंकि एबी बचपन से ही आज तक हर इवेंट पे मैंडी से ज्यादा अच्छी लगती थी। सब एबी को पसंद करते थे। मैंडी हमेशा से उससे बहुत जेलस होती आई है। नेक्स्ट डे स्कूल में एबी जल्दी जल्दी में प्लास्टिक्स की कार के साथ अपनी कार पार्क कर देती है, जो बात मैंडी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो वो एक लड़के से कह के कैफेटेरिया में एबी के ऊपर उसी का लंच गिरवाती है और उसका पूरे स्कूल के सामने मजाक उड़ाती है। इवन उसके खराब फेस की पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पे भी अपलोड करती है। जो ये सब देख रही है, लेकिन वो इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहती, इसीलिए वो खामोश रहती है। क्लास में टायलर के पास भी एबी की वायरल पिक्चर आती है, जिसे जो डिलीट कर देती है। स्कूल से ऑफ टाइम में जब एबी अपनी कार के पास जाती है तो सब स्टूडेंट्स उस पे पेंट शॉट्स मारते दिखाई देते हैं, जिससे वो डर के साइड में हो जाती है और जो उसे अपने स्कूटी पे घर ड्रॉप करती है। एबी अपने इस बुरे डे की वजह से बहुत अपसेट होती है और अपनी आर्ट बुक बाहर ही गिरा देती है। जो उसका घर देख के बहुत इम्प्रेस होती है और उसकी आर्ट बुक देने उसके पीछे जाती है, जो उसके फादर मिस्टर सिडनी रिसीव करते हैं और वो अपनी डॉटर एबी की हालत देख के बहुत अपसेट होते हैं और जो को अपने होम ऑफिस में ले जाके उसे कुछ पैसे ऑफर करते हैं ताकि वो एबी की फ्रेंड बन सके और हाई स्कूल का ये लास्ट ईयर उसके लिए अच्छा बना सके। यहाँ फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है और ये वो फैसला था जिसका जवाब अभी तक जो नहीं दे सकी। पहले जो इस डील से मना करती है, लेकिन उसे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो मान जाती है। मैंडी को सोशल मीडिया पे जो की एबी को घर ड्रॉप करने वाली वीडियो मिलती है, जहाँ सब लोग कॉमेंट्स में जो की तारीफ करते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में प्लास्टिक्स
जो को अपने साथ ड्रिंक पे इनवाइट करती है और एबी से दूर रहने का कहती है, जिस पे वो मना कर देती है। स्कूल की मैगजीन की एडिटर क्वीन उसे वार्न करती है कि प्लास्टिक्स अब उसे बहुत तंग करेंगी और उसे अपना ख्याल रखना होगा। जो एबी से बात करके दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है, जिस पे वो उसे ये कह के वहाँ से चली जाती है कि कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता। प्रिंसिपल एक होमकमिंग चैरिटी की अनाउंसमेंट करते हैं। स्कूल ऑफ टाइम में जो एबी से कहती है कि उसकी स्कूटी खराब हो गई है, एबी उसे ड्रॉप करने का कहती है, जिस पे जो मान जाती है। प्लास्टिक्स जो को एबी के साथ देख के बहुत गुस्सा करती है। एबी जो को घर ड्रॉप करने के बाद उसके इनवाइट करने पे जो के घर आती है। जो को कुछ पेंटिंग्स में हेल्प चाहिए होती है और एबी एक अच्छी आर्टिस्ट होने की वजह से उसकी हेल्प करने का कहती है। प्लास्टिक्स जो के घर जाके उसकी स्कूटी सीट पे एडिसिव गम लगा देती है, जिस वजह से नेक्स्ट डे वो स्कूल में गिर जाती है, अपनी सीट से उठ ही नहीं पाती। एबी उसकी हेल्प करती है, जो स्कूटी स्कूल के अंदर सीधा वॉशरूम में ले जाती है और एबी की पेंटिंग क्लास का स्कर्ट पहनती है। नेक्स्ट डे सब जो की बहुत तारीफ करते हैं और सेम उसके जैसे ड्रेस करने की कोशिश करते हैं। प्लास्टिक्स को इस सब पे अब बहुत गुस्सा आता है। मैंडी होप और चेस्टिटी को जो पे नजर रखने का कहती है। स्कूल के बाद जो एबी के घर जाती है और उसकी पेंटिंग से बहुत इम्प्रेस होती है। एबी जो के लिए उसकी पेंटिंग बनाना शुरू करती है। उन दोनों की दोस्ती अब गहरी हो रही है। नेक्स्ट डे ड्राफ्टिंग क्लास में जो टायलर में इंटरेस्ट शो करती है और टीचर उन्हें एक स्कॉलरशिप का बताते हैं। ये जो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास के बाद टायलर जो को स्कूल के बाद मिलने का कहता है। होप ये बात मैंडी को बताती है, जिसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो ये बात एबी को बताती है। एबी उसे टायलर से दूर रहने का कहती है, लेकिन जो फिर उसके साथ शाम को डेट पे जाती है। टायलर जो के घर निक की कार उसके इंसिस्ट करने पे ले जाता है। टायलर जो के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। जो टायलर को बताती है वो एक वर्जिन है और आज तक उसने किसी को किस नहीं किया। निक मैंडी का बॉयफ्रेंड है और उसने टायलर को कार देते हुए उसमें एक रिकॉर्डर रखा था और नेक्स्ट डे स्कूल के मेन हॉल की स्क्रीन में जो की पिक्चर के साथ उसकी लास्ट नाइट की रिकॉर्डिंग प्ले होती है। उसे टायलर पे बहुत गुस्सा आता है कि उसने मैंडी के साथ मिलके जो के साथ ये सब किया। वो वहाँ से चली जाती है और सिर्फ एबी उसका मूड ठीक करती है। अब जो को एबी के साथ अपने बिहेवियर का बुरा भी लग रहा है कि अगर एबी को मिस्टर सिडनी के साथ हुई डील का पता चल गया तो क्या होगा। टायलर जो से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जो उससे बात नहीं करती। कैफेटेरिया में निक और टायलर की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि टायलर को भी उस रिकॉर्डर का नहीं पता था। एबी जो को बताती है कि टायलर मैंडी का स्टेप ब्रदर है। फिर कुछ गर्ल्स जो और एबी के पास आके उसके वर्जिन होने की तारीफ करती हैं कि उसने एक सही इंसान का आज तक इंतजार किया, ना कि किसी के साथ भी अपने लाइफ की इतनी प्यारे मोमेंट्स वेस्ट किए। क्विन भी एबी और जो की दोस्त बन जाती है। जो ड्राफ्टिंग क्लास में टायलर को माफ कर देती है। मैंडी को पता चलता है कि जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही है, तो वो अब जो का हर प्रोजेक्ट खराब करने की कोशिश करती है। मैंडी को अब ये बात भी बुरी लगती है कि वो और निक अब स्कूल का सबसे हॉटेस्ट कपल नहीं रहे। ये टाइटल अब टायलर और जो को मिल गया है। प्लास्टिक्स जो के घर जाके उसके फादर के गैराज में खड़ी कार में कॉफी और शुगर पोर करती है। उसके फादर अब बहुत अपसेट होते हैं, क्योंकि ये कार उन्होंने रेसिंग के लिए भेजनी थी। अब उन्हें काम से निकाले जाने का डर भी है। सारी मशीन जैम हो गई थी, जिसको ठीक करवाने के पैसे नहीं थे। तभी जो को कार के पास गिरा शुगर का रैपर नजर आता है और उसे पता चल जाता है कि ये मैंडी ने किया है, क्योंकि प्लास्टिक्स एक स्पेशल स्वीट शुगर यूज करती हैं और ये उसी का रैपर था। अब जो ने मैंडी से बदला लेने का फैसला किया था। एबी और जो ने मैंडी की बर्थडे पार्टी के सेम डेट पे एबी के घर पार्टी रख ली। सब मैंडी की पार्टी में जाने के बजाय एबी के घर आ गए। सब पार्टी बहुत इंजॉय करते हैं और मैंडी उनकी पार्टी खराब करने के लिए एबी के घर जाने वाले पिज्जा में वॉमिट के लिए कोई केमिकल डाल देती है। लेकिन जो ये देख लेती है और वो सब पिज्जा वेस्ट कर देती है। प्लास्टिक्स जब एबी की पार्टी में आती है तो जो सिर्फ निक को वही पिज्जा सर्व करती है। वो पिज्जा खा के निक मैंडी पे वॉमिट कर देता है। पार्टी में सिर्फ मैंडी की इंसल्ट होती है और किसी की नहीं। अब जो एबी और क्विन अपना मेकओवर करके स्कूल जाती हैं और वो एंटी प्लास्टिक्स के नाम से फेमस हो जाती हैं। जो चीज़ चिटी के सब मेकआउट की जगह
जगह प्रिंसिपल को बता देती है और उसे एक वीक के लिए पनिशमेंट मिलती है। चेस्टिटी मैंडी से नाराज हो जाती है क्योंकि सिर्फ उसी को चेस्टिटी की सब सीक्रेट जगहों का पता था जहाँ से उसे प्रिंसिपल ने पकड़ा था। होप को जर्म से प्रॉब्लम है तो सब स्टूडेंट्स उसे तंग करने के लिए स्नीज करते हैं। एबी और जो प्लास्टिक्स की स्पार्केट भी बदल देती हैं, जिससे होप का फेस बहुत अरसे के लिए ग्रीन हो जाता है और अब मैंडी भी होप के फेस की वजह से उससे दोस्ती नहीं रखना चाहती। होप चेस्टिटी और मैंडी की लड़ाई हो जाती है। जो अब अपने फादर के साथ उनके गैराज में उनकी हेल्प नहीं करवाती और ना ही अब वो एबी का ख्याल रख रही होती है क्योंकि अब वो पूरे स्कूल में बहुत फेमस हो गई है और अब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। टायलर जो के इस बिहेवियर की वजह से उससे नाराज हो जाता है। वो जो को कहता है कि अब वो भी एक प्लास्टिक बन चुकी है और वो ड्राफ्टिंग क्लास वाली जो को बहुत मिस करता है, लेकिन जो उसकी बात नहीं समझती और उससे ब्रेकअप कर लेती है। जो के घर आने पे उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी से उसका एडमिशन लेटर और एबी के फादर की तरफ से पैसे आए हुए हैं, जिन्हें देख के उसे एबी के फादर के साथ इस डील पे बहुत अफसोस होता है और जो उन्हें ये पैसे वापस कर देती है और उनसे कहती है कि वो एबी को धोखा नहीं दे सकती, वो पैसों के लिए उसकी दोस्त नहीं बनेगी। लेकिन ये सारी बातें मैंडी सुन लेती है और वो ये क्विन से कह के स्कूल ईयरली मैगजीन में लिख देती है। अगले दिन स्कूल में सब जो से नफरत करने लगते हैं। एबी बहुत हर्ट होती है और वो उसे छोड़ के चली जाती है। टायलर भी उसकी ये बात जान के उससे बहुत डिसअपॉइंट होता है। अब जो बिल्कुल अकेली रह जाती है। होमकमिंग क्वीन के लिए ऑलरेडी सब जो को वोट दे चुके हैं, इसलिए अब उसको एक्सपेल करवा के ही सिर्फ मैंडी होमकमिंग क्वीन बन सकती है। निक मैंडी के कहने पे होमकमिंग चैरिटी ट्रॉफी प्रिंसिपल ऑफिस से चोरी करके जो के घर उसके गैराज में छुपा देता है और ऑफिस में ये नोट छोड़ देता है कि ये चोरी जो ने की है। पुलिस की चेकिंग पे वो ट्रॉफी जो के घर से ही मिलती है, इसलिए प्रिंसिपल उसे एक्सपेल करने और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के लिए उसका एक गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन करने से मना कर देते हैं। जो प्रिंसिपल से टाइम लेती है कि वो ये प्रूव कर सकती है कि उसने ये काम नहीं किया। जो पूरे स्कूल के सामने मैंडी को एक फुटबॉल गेम के लिए चैलेंज करती है कि अगर उसे होमकमिंग क्वीन बनना है तो उसे ये गेम जीतनी होगी, लेकिन कोई भी जो की टीम में जाना नहीं चाहता। क्वीन एबी से मिलके उसे जो की तरफ से एबी के लिए बनाया हुआ एक आर्ट पोर्टफोलियो देती है और उसे बताती है ये उसके लिए जो ने बनाया था क्योंकि एबी एक आर्ट स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है और ये भी बताती है कि जो ने चोरी नहीं की। जो अपने घर पे बैठी अपने फादर से एबी के साथ की हुई गलती पे माफी मांगती है, जिस पे वो उसे माफ कर देते हैं। और तभी एबी, टायलर और कुछ फ्रेंड्स वहाँ जो के घर आते हैं। जो एबी से माफी मांगती है, वो उसे माफ कर देती है क्योंकि वो जानती है उसने दोस्ती दिल से की थी, पैसों के लिए नहीं। एबी में इंटरेस्टेड एक लड़का एलियट जो के नेबर्स का सिक्योरिटी कैमरा हैक करके सीसीटीवी वीडियो निकाल के सबको दिखाने के काम में लग जाता है, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि चोरी जो ने नहीं की। स्कूल में फुटबॉल मैच स्टार्ट होता है और मैंडी ने सबसे अच्छे प्लेयर्स अपनी टीम में हायर कर लिए हुए हैं। मैंडी की टीम जो कि टीम के साथ रफ प्ले करके टाई हो जाते हैं और तभी एलियट सीसीटीवी वीडियो सबको सेंड कर देता है, जिसमें साफ साफ निक और मैंडी वो ट्रॉफी जो के घर रख के आए थे। वहीं पे पुलिस निक को अरेस्ट करती है। मैंडी का देहांत मैच से हट जाता है और एबी के गोल से जो की टीम मैच जीत जाती है। प्रिंसिपल जो को एक्सपेल नहीं करते और पुलिस मैंडी और निक को अरेस्ट कर लेती है। होमकमिंग एनुअल पार्टी में प्रिंसिपल होमकमिंग किंग और क्वीन एलियट और एबी को अनाउंस करते हैं। जो अपने बिहेवियर के लिए टायलर से माफी मांगती है, उनकी सुलह हो जाती है। सब डांस करते हुए पार्टी एंजॉय करते हैं। निक और मैंडी को जेल के बजाय स्कूल की सर्विसेज की सजा दी जाती है। क्वीन स्कूल की न्यू क्वीन भी बन जाती है, लेकिन वो सबका ख्याल रखती है। चेस्टिटी अब हर लड़के से फ्री नहीं होती। होप ने फाइनली अपने फियर्स को खत्म करने की कोशिश की। टायलर और जो इस बात पे खुश हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी एक दूसरे के करीब है और एबी को स्टेट की टॉप आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। जो टायलर और एबी को हग करती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।